अर्थ आहे की हे सगळं प्रकरण शरद पवार उद्धव ठाकरेचा चर्चेतून 12-13 दिवसात ही स्क्रिप्ट लिहिली गेली होती. जे नवाब मलिक म्हणतात ते काय आहे मुद्दे, पण बघा 10 दिवस डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. आता समजा कुठला तरी एखादा विषय काय, ड्रग माफिया, आणि विषय कुठे निघाला की समीर वाटकरेने एक लग्न केलं की दुसरं लग्न केलं, पहिलं लग्न केलं तर ते मोडलं का, त्याची बायको काय करत होती, आता धर्म मुस्लिम आहे की दलित आहे, हा काही विषय होता का? जर त्यात काही असेल, जे सांगतोय की तो मुस्लिम होता, त्याला नोकरी मिळाली 2007, तो 2006 मध्येच लग्न झालं होतं, मलिकांचा परिवारात झालं होतं. म्हणून मुद्दा इश्यू डायव्हर्ट करण्यासाठी पवार आणि ठाकरेंनी घडवून आणलं. समीरची पत्नी, समीरची बहीण आणि समीरचे वडील भेटले होते आणि त्यांनी हेच सांगितलं मला की आमचा सुखी संसार हा डिस्टर्ब करण्याचं काम जर नवाब मलिकच्या नातेवाईकांचं पहिलं लग्न समीर सोबत 2015-16 मध्ये ते वेगळे झाले तर 5 वर्ष मलिक का गप्प बसले होते. दिनों तो मैं कह रहा हूं कि ठाकरे सरकार अलीबाबा 40 चोर की सरकार है. 24 लोगों के घोटाले मैं बाहर निकाल चुका हूं, एक भी घोटाला डॉक्यूमेंट चैलेंज नहीं किया गया है, सब सच सिद्ध हो चुके हैं. इसी प्रकार से और जो मंत्रियों के घोटाले बाहर आ रहे हैं, जिस प्रकार से हसन मुश्रिफ ने अपने मंत्रालय का टेंडर अपने परिवार की बेनामी कंपनी को दिया, ऐसे और 2 मंत्रालय ने दिए कहां कहां की जमीनों का, किस प्रकार से लेन देन जिसकी हुई है वो सब भी जानकारी बाहर आ रही है. इसमें बाकी 16 के नाम भी आ जाएंगे. एक बहुत स्पष्ट है कि अजीत पवार के पास से ये जो रेड में इतनी जानकारी मिली है, लगभग 2-2.5 हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति, साथ में सिर्फ उसकी बहनों नहीं, दोनों बहनों से लेके संतान से लेके और भी किसके पास यहाँ पर पैसे आए, और मनी लॉन्ड्रिंग से अजीत पवार समूह में पैसे आकर उसके कौन कौन रिश्तेदारों के पास में पैसे गए, इतनी भयानक जानकारी हाथ में आई है. मैंने जैसे स्टडी किया था, उस स्टडी में बहुत स्पष्ट हो गया था कि अजीत पवार ये सबके अपनी पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार के द्वारा, उनकी कंपनियों के द्वारा पैसे गए हैं. और इसके लिए कि जो घोटालों में ठाकरे पवार सरकार इतनी बदनाम हो गई, डाइवर्ट करने के लिए 13 दिन का यह जो मीडिया ड्रामा पेड एजेंसी के द्वारा शरद पवार ठाकरे जी के आइडिया से हुआ है. आपने कहा कि राइटर प्रोड्यूसर कोई अलग ही है. मैंने कहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं. घोटाले एक के बाद एक बाहर आ रहे, अजीत पवार के कारनामे बाहर आ रहे थे. इनकम टैक्स की रेड समाप्त हुई, अभी ईडी को जो जानकारी मिल रही है, हमने भी जो कुछ जानकारी दी थी, मैं लातूर और नांदेड़ का दौरा, तो वो भी अभी बाहर आ रहे हैं, और उनके कारण पूरा मंत्रिमंडल हिल गया है. इसके लिए डाइवर्ट